हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। सुबह से ही मतगणना हो रही है और शुरुआती रुझान में जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाई दिखाई दी थी, तो अभी बिल्कुल बदल चुका है, रुझान बदल गए हैं और अब बीजेपी बढ़त पर है। बताते चले हम आपको कि हरियाणा की बात करें तो 90 सीटों पर चुनाव हुए, जहाँ पर बीजेपी 47 पर आगे दिखाई दे रही है, कांग्रेस 36 और अन्य 7 पर है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस इस वक्त 48 सीटों पर है। पीडीपी की बात करें तो 4 और बीजेपी 28, अन्य की बात करें तो 10 के आसपास अन्य है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव बेहद खास है। हरियाणा में बीजेपी 2 बार सरकार में थी और अब 3री बार सरकार में आने की उम्मीद जता रही है। वही अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2014 में चुनाव हुआ था, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है और ये बेहद ही खास है। जम्मू कश्मीर में जहाँ पर कांग्रेस गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अकेले वहाँ पर दावेदारी पेश की है, अकेले चुनाव लड़ रही है। जहाँ पर जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव हुए और अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी बीजेपी अकेले है, कांग्रेस गठबंधन में है। इसके अलावा अन्य हरियाणा में भी चुनावी परिणाम आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा की बात करें बीजेपी 47 पर है, कांग्रेस 36 और अन्य 7 पर है। जम्मू कश्मीर के भी रुझान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस ने ये कहा था कि हम दोनों में बढ़त बनाएंगे, शुरुआती रुझान वैसा ही लगा, शुरुआत में कांग्रेस आगे बढ़ती दिखाई दी। पूरे देश भर में जश्न का माहौल था, कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही दूसरे तीसरे चौथे राउंड की गिनती होनी शुरू हो गई, वैसे वैसे रुझान बदलने लगे हैं और अब हरियाणा में बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस यानी कि नेशनल कांग्रेस गठबंधन की वहां पर चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस गठबंधन में थी, 48 पर दिखाई देती है। पीडीपी वहां की रीजनल पार्टी जो कि 4 पर है, बीजेपी 28 पर है। बीजेपी भी ठीक ठाक अभी तक सीट ला पाई है, अन्य की बात करें तो 10 पर है और अभी और भी राउंड की गिनती होनी बाकी है। धीरे धीरे करके रुझान बदल रहे हैं। हरियाणा में अभी भी बीजेपी आगे है, हरियाणा में उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से हमने पिछले 2 बार सरकार बनाई थी, इस बार भी हम सरकार बनाएंगे। खैर, देखना दिलचस्प होगा, रुझान आने शुरू हो गए हैं, शाम तक क्लियर भी हो जाएगा कि आखिर हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होंगे, किसकी सरकार बनेगी। वहीं जम्मू कश्मीर में जब 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं तो वहां मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।